everyone, welcome back to the RC vlog. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे. और आज है मंडे और दोनों रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. और दोनों के लिए जो लंच है वो भी रेडी है. ऋषिल का लंच तो स्कूल में से ही खाता है, लेकिन उसके लिए मैंने फ्रूट भर दिया है. उसको ग्रेप्स खानी दिए तो उसके लिए ग्रेप्स. और चार्मी को खुसखुस बना के दिया है और उसको मैंने ऑरेंज दे दिया है, ऑरेंज खानी थी इसलिए. दोनों की बॉटल्स रेडी है और दोनों अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम लोग स्कूल के लिए निकल जाएंगे. आज देखो, आज थोड़ी सी मैं जल्दी आ गई हूँ, 10 में अभी भी 20 मिनट बाकी है. नॉर्मली मैं इतना जल्दी नहीं आती, तो अभी थोड़ा सा बस ये थोड़ा पानी लेकर बैठी हूँ. और क्योंकि मैंने एक 2wheel जो स्कूटर आता है वो ख़रीदा है, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बस जो है वो टाइम लग जाता था. कम से कम बस स्टॉप पर मुझे 15 मिनट वेट करनी होती थी, और अगर वो चली जाए तो फिर दूसरी बस मेरे लिए रुककर उस बस के लिए वेट करती, तो बच्चों के स्कूल में मैं लेट हो जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी. और जो स्कूल है वो घर से काफ़ी दूर है, और मेरी जो बेटी है उसकी नर्सरी भी मेरे बेटे से स्कूल से भी काफ़ी दूर है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. और दोनों को स्कूल में, एक को मुझे 8:40 को पहुँचाने, और जो मेरी बेटी है उसको कम से कम 9:15 तक मुझे पहुँचाने ही है. उसको थोड़ा सा लेट हो जाता है तो चल जाता है, वो लोग समझते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती थी. और मैं चलकर जाती थी तो मैं खुद थक जाती थी. फिर भी मैंने काफ़ी, मतलब कि एक महीना तक मैंने ऐसे किया. लास्ट ईयर भी मैंने पैदल ही जाती थी, पैदल ही आती थी. और फाइनली मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि एक स्कूटर ले लूं, क्योंकि बहुत सारे स्कूटर जो है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे थोड़ा सा डर है. और मैंने कभी भी 2wheel जो स्कूटर आता है अडल्ट्स के लिए, वो मैंने कभी भी नहीं राइड किया. ये पहली बार है और आज पहला दिन था. काफ़ी अच्छा रहा, और टाइम जो है वो मुझे अच्छे से मिल जाता है दोनों को ड्रॉप करने के लिए, तो थोड़ा सा इजी हो गया ऐसे मैं कह सकती हूँ. और चार्मी को छोड़कर तो ये होलमेड ब्रेड लाई हूँ, और ये सबसे ज़्यादा हमको पसंद है. एक तो माइल्ड और सॉफ्ट है, और ऊपर से छोटी है, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है. और बनाना लाई हूँ, तो ये एक मैं लेकर आई हूँ पीनट बटर. हम लोगों को पसंद है, हम लोग ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं, फिर जो बनाना है उसके स्लाइस कर कर दे देती हूँ, तो बच्चों को पसंद आता है, तो ये एक लेकर आई हूँ. और बस अभी मेरे पास 2 घंटे है, तो 2 घंटों में घर का जो थोड़ा काम है वो करूँगी. जिस स्कूटर के बारे में बात करी थी वो ये स्कूटर है. वो ये स्कूटर हम लोगों ने फ्राइडे नाइट को ख़रीदा था, और ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है 8+ अडल्ट के लिए है. हाइट एडजस्ट हो जाती है इतनी सेंटी 91 से 106 सेंटीमीटर तक है. 100 kg वजन जो है वो कैरी कर सकता है, फोल्डेबल है. और फिर ये स्प्रिंग होती है यहाँ पर है, और जो व्हील है 200 mm है. और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पर हाइट लिखी है. ये है स्कूटर, इसका नाम है ईवा शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है. और पर मैं चार्मी को खड़े रखती हूँ, इजी है. और मैं साइड के जो रोड है वहाँ पर ही राइड करती हूँ, मेन रोड पर तो वैसे भी अलाउड नहीं है, तो सेफ है पहले तो. और तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो 3 बटन हैं मैं आपको दिखाती हूँ, इससे आप ये जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं. और फिर ये जो है इसको ऐसे करना है, और ये यहाँ पर एक बटन जैसा है, यहाँ पर एक है, ये ऊपर नीचे होता है, तो इसको और इसको ऐसे पकड़ना है, और इसको ऊपर की तरफ खींचना है, तो ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो ऐसे फोल्ड हो जाता है. काफ़ी इजी है. और फिर खोलना होता है, तो वहीं सेम ये ऊंचा करना है और ये भी ऊंचा करना है, तो इस तरीके से खुल जाता है. तो बस इस तरीके से होता है. और यहाँ पर चार्मी खड़ी हो जाती है, और यहाँ पर मैं खड़ी होती हूँ,
तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इसको ऐसे करती हूँ मैं, ऐसे धक्का लगाती हूँ स्कूटर, और मुझे थोड़ा सा इजी रहता है, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। आर्मी को लेने जा रही हूँ और आज स्कूटर उसका मैंने सुबह में नहीं दिया था क्योंकि वो मेरे स्कूटर पे खड़ी। हेलो हेलो, चार्मी आ गई है नर्सरी से। कासल, वो यहाँ पर पीछे चर्च है उसको वो कासल बोल रही है, और यहाँ 5-10 मिनट बैठना अच्छा लगता है। अब तो मुझे भी हैबिट हो गई है, थोड़ा सा बैठ कर जाती हूँ यहाँ पर, है ना। डोर बंद कर दो। बाय बाय डोर। बाय बाय डोर। गुड गर्ल। नाउ लेट्स स्टे हियर। होम टाइम? चार्मी होम टाइम? नो मम्मी। नो। तो मेरे लिए क्या होता है, एक सस्पेंस होता है कि चार्मी ने लंच किया होगा कि नहीं। और ये देखो ये देखो, कुछ नहीं खाया उसने। अब खाएगी, और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया लंच में, और मैं थोड़ा सा ही खा रही क्योंकि मुझे भूख नहीं है ज्यादा। और ये जो लंच बॉक्स है जो मैंने आइकिया से लिया था, वैसे तो काफ़ी अच्छा, जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन होता क्या है ना, इसमें कहाँ पर भी स्पून रखने का नहीं है। अगर ऐसे एक्स्ट्रा स्पून भी दे दो तो यहाँ पर अंदर फिट नहीं होती, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी ठीक है। और चार्मी को बहुत पसंद है ये लंच बॉक्स। चार्मी फिनिश, हाथ दो वो। ये देखो चार्मी को, अभी ऋषिल को लेने में थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे। तो ऋषिल घर पर आ गया है, और आज ऋषिल को मैं पाव भाजी देने वाली हूँ। कल हमने पाव भाजी बनाई थी, लिया था। यहाँ पर देखो भाई बहन मिलजुल कर खा रहे हैं। I'm just making a Charmy को break bread. So. तो चार्मी के लिए ऋषिल ना छोटा छोटा पीस कर रहा है ब्रेड के। चार्मी ने ऑलरेडी लंच कर लिया है, लेकिन ऋषि के साथ वो फिर से कर रही है, हर रोज ऐसा ही करती है अब तो, क्योंकि जो पाव है वो खत्म हो गए, तो मैंने ब्रेड सेक ली। और ऋषि को पाव भाजी बहुत पसंद है ना ऋषि, पाव भाजी तारी फेवरेट है ना। तो अभी ऋषि को मैंने होमवर्क दिया है, और हेलो करुषे, हेलो। तो इसको मैंने कुछ स्पेलिंग दिए हैं जो मुझे स्कूल में से हर वीक लिस्ट देते हैं, उसको मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। फ्राइडे को टेस्ट लेते हैं, तो कुछ स्पेलिंग यहाँ पर दी है, और कुछ टाइम्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि 9 times 9 इक्वल। और यहाँ पर देखो ये वाला नहीं किया अभी तक, ये सब सिर्फ छोटा सा ही दिया है। देखो कैसा हो गया है, अच्छा लग रहा है, मौसम जो है वो अच्छा हो गया है अभी तो। बस शाम के डिनर की तैयारी करने वाली हूँ, और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ लोबिया की सब्जी, वो ऑलरेडी मैंने भिगोल कर रख दिए थे, और साथ में चावल वो भी मैंने भिगोल कर रख दिए थे, और पराठा बनाने वाली हूँ। तो बस
बस इसी की तैयारी कर रही हूँ और चार में खेल रही है इसका अभी खत्म नहीं हुआ है थोड़ा सा एप्पल दिया है वो चल रहा है तो जल्दी से मैं डिनर बनाती हूँ तो यहाँ पर चार्मी डांस कर रही है देखो देखो तो मुझे ना गाने सुनना बहुत पसंद है तो जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मोस्टली मैं गाने चला देती हूँ तो एक तरफ गाना बजता है और एक तरफ मैं अपना काम करती हूँ मुझे अच्छा लगता है ऐसा तो आजकल चार्मी किचन में आ जाती है जब भी मैं गाना चलाती हूँ और वो ऐसे ही डांस करने लगती है और मैंने जो है वो रियल जो वॉइस था मतलब के वो मैंने नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट की वजह से और बस यहाँ एक तरफ ये डांस कर रही थी और एक तरफ खाना हो रहा है और एक बात चार्मी को ना बड़ा शौक़ रहता है ऐसे बैग पीछे लटका कर फिर ऐसे ही घर में ऐसे ही घूमती रहती है कभी कभी सूज़ जो है वो भी पहनकर घर में घूमती रहती है तो वो सब काफ़ी उसको शौक़ है बज रहे हैं 6 और देखो बारिश हो रही है तो शाम का डिनर रेडी हो गया है लोबिया की सब्जी रेडी हो गई है साथ में चावल भी रेडी हो चुके हैं उसके बाद पराठे भी रेडी है तो शाम का जो डिनर है वो सब कुछ रेडी हो गया है सिर्फ खाने को ही बैठना है बस तो आशा करती हूँ आज का जो मेरा वीडियो है वो आप सभी को पसंद आया हो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय बाय